बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि आपकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका जो एक नया शाहकार है वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड का सारा सिलसिला शुरू किया। 2019 की जनवरी के अंदर हमने पहले पंजाब की 30% आबादी जो गुर्बत की सतह से नीचे रहती थी उसकी हमने इंश्योरेंस की, और उसकी कामयाबी देखते हुए इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ हमने कदम रखा। और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोग्राम था वो पहली दफा लॉन्च पंजाब के अंदर 14/12/2021 में हुआ। यानी 2021 की हमने दिसंबर में ये डिसाइड कर लिया कि पंजाब की जितने खानदान हैं उन सब खानदानों को सेहत कार्ड मिल जाएगा 10 लाख की लागत का, ताकि वो अपना इलाज कर सकें। सबसे पहले कैबिनेट ने उनको अप्रूव किया, और वो कैबिनेट ने अप्रूव करने के बाद हमने उसका बाकायदा PC1 बनाया। PC1 जो है, क्योंकि ज़्यादा 10 लाख अरब से ज़्यादा का जब PC1 बनता है तो आपको बाकायदा उसका एक प्रोसीजर होता है जिसके मुताबिक प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो पंजाब की थी उसके साथ हमने काम किया। काम करके वो प्रोविंशियल डेवलपमेंट पार्टी जो थी उसका हमने सारी डिटेल जो है वो अपना जो सेंट्रल पार्टी है उसको, जिसको कहते हैं सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग, CDWP की बाकायदा मीटिंग हुई। CDWP के बाद हमने एक्निक में अप्रूवल किया। यानी वो सारे इकदाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और जिनके मुताबिक आपको ये फॉलो करना पड़ता है वो हमने सारा दिया। जो उस वक्त हमने कीमत दी थी वो इतका था कि 3 साल की इंश्योरेंस के 332 अरब रुपए लगेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो कार्ड वो जो एक हमने देना है क्या कहते हैं प्रीमियम, वो तकरीबन 3,800 बनेगा। जब हम उसमें गए बिड के अंदर गए, टेंडर किया इसको, तो जो लोएस्ट बिड आई वो हमारी आई 4,700 रुपए की, और वो हमें लोएस्ट बिड जो थी वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने दी थी। हमने उनके साथ निगोशिएट किया और 4,350 रुपीज इसके ऊपर वो बिड पे हमारे वो सेटल हुआ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2022 के अंदर हर किस्म की अप्रूवल के बाद, यानी कैबिनेट की अप्रूवल के बाद, आपकी प्रोविंशियल डेवलपमेंट पार्टी की अप्रूवल के बाद, आपकी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अप्रूवल के बाद, एक्निक की अप्रूवल के बाद, एक ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट के तहत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के जो सूबा, फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद आ गया और फेडरल गवर्नमेंट गवर्न जो एरियाज हैं जैसे कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसका सब सेटल हो गया, साइन हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई मार्च 2022 में। पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पे सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हो गए, सबको ये फैसिलिटी दे दी गई। आज के दिन तक 33,68,000 लोगों ने ये सहूलत ले ली। अब नया जो किस्सा चला है वो ये है कि हुकूमत जो बैठी हुई है वो इम्पोर्टेड, उसने दोबारा ये सारा जब उसके पास दोबारा नया PC1 रिवाइज करके भेजा कि अब हमने इस रेट पे वो रिवाइज करके भेजा। उन्होंने मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग इन्होंने की है 27 जनवरी को, आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। और उसमें क्या डिसाइड किया? उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, हम इस बात पे नहीं बिलीव करते। वजह ये है कि आप ये क्यों नहीं करते कि नए पब्लिक सेक्टर अस्पताल बना लें, और उन नए अस्पताल ये पैसे इस तरह क्यों आप लोग खर्च कर रहे हैं? तो उनको बताया गया कि इस कार्ड के जरिए हमने 40,000 बेड ऐड किए हैं प्राइवेट सेक्टर के,
ना हमने आना लगाया ब्रिक एंड मॉर्टर के ऊपर, ना हमने उनकी कंस्ट्रक्शन पे लगाया, हमने आउटसोर्स करके उनसे ये सहूलत ले ली। अगर मैं ने पब्लिक सेक्टर के अंदर 46,000 बेड बनाने हैं, तो मैंने इसका मतलब है कि मैं अपने जो अस्पताल बनाऊंगी वो तकरीबन बनेंगे, इस वक्त जो हमारे पास है कि जी हम 87 अस्पताल नए खड़े करें, 87 अस्पताल हम नए खड़े करें, और 87 अस्पताल जो है नए खड़े करेंगे तो फिर हमारे पास वो 40,000 बेड आएंगे। उनका खर्चा और जो हर सालाना उनकी रिकरेंट कॉस्ट का खर्चा अगर आप डालें तो 1,063 अरब रुपए लगने। मैं फर्क सिर्फ बता रही हूं आपको, 1,063 अरब रुपए लगने। तो अकल क्या कहती है, वजह ये है कि ये इस तरह के काम क्यों चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि इनके आपस आपको पता है इनके किकबैक्स होते हैं। तो हम तो इस बात में बिलीव नहीं करते, हम कहते हैं क्यों किकबैक्स लिए जाएं, आप क्यों आवाम का पैसा जाया करें। पहले भी 70% आवाम जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस देती है, 70% आवाम जो है इस वक्त अपनी जेब से पैसे देती थी। हमने उनके हाथ में कार्ड दे दिया, उनका जो शनाख्ती कार्ड है घर का जो बड़ा है उसका शनाख्ती कार्ड, उसका सेहत कार्ड है, आप ये 10 लाख का कार्ड जो है अपने ऊपर खर्चा करें। आपका दाखिला अस्पताल के अंदर जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, इस वक्त 821 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के अंदर, और एक बिल्कुल रोबस्ट प्रोग्राम चल रहा है। 98% लोगों ने सेटिस्फेक्शन रेट दिए, ये भी नहीं कि खुदा ना खास्ता लोग शिकायत कर रहे हैं। अभी जाके किसी से पूछें जाके जिसने कार्ड इस्तेमाल किया है किस तरह हाथ उठा उठा के दुआएं दे रहा है इमरान खान को कि उसने एक अच्छी विजन दी। वजह यह है कि घर में बीमारी आ जाए तो इट्स अ हेल्थ शॉक, वजह यह गरीब आदमी के घर तो बिल्कुल सब लुट जाता है। अब माशाल्लाह आपको पता है जब से इनकी हुकूमत आई है इन्होंने पहले तो 30% या 35% गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे थे, अब 60% गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे। वजह यह है कि जब आप इतनी महंगाई कर दें जो पिछले 9 महीने में हुई है तो आप खुद अंदाजा लगा ले, फिर इंसान सोचता है मैंने रोटी खानी है या मैंने इलाज करना है। आप यकीन जानिए जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी वो थी जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए, खुदा जाने लाखों के हिसाब से लोगों ने आपने मोतिया का ऑपरेशन करवाया, और आप यकीन जाने सबसे सस्ता ऑपरेशन जो है ना मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी 20-25 हजार रुपए लगते हैं, बंदा मोतिया का ऑपरेशन करा लेते। लेकिन लोगों की मजबूरियां देखें कितनी थी कि वो लाखों लोग उस नाबीने अंदाज में या कम देखे के वो घर बैठे रहे कि पैसे नहीं थे। इतने ऑपरेशन हुए, दिस आर द नंबर ऑफ मोर देन 200,000 पीपल, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया। खुदा जाने कितने लोगों ने अपने हर्निया का ऑपरेशन कराया, वो बीमारियां लेके जो बैठे हुए थे उन सब ने। आपको पता है कि बड़े से बड़ा अस्पताल हमीद लतीफ ले लें, आप डॉक्टर हॉस्पिटल ले लें, आप नेशनल हॉस्पिटल ले लें, आप उमर हॉस्पिटल ले लें, दिल की तकलीफ हो तो आप इधर चले जाइए। हमने पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त 10 एंजियोग्राफी की मशीन है, 7 PIC में है और 1 मेयो अस्पताल में, और 2 जो हैं वो हमारी उधर हैं इधर क्या कहते हैं जिना में। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी है, 25 एंजियोग्राफी मशीन्स, यानी 25 मशीनें लगा दी गई, पहले 10 थी उनको बढ़ा के 25 उन्होंने कर लिया। वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को इमीडिएटली एक्सपेंड किया इन मरीजों को अकोमोडेट करने के। हमने तो 2 एंजियोग्राफी मशीन्स भी नहीं खरीदी, ये 25 एंजियोग्राफी मशीन्स 1 और 10 हमारी मिला के 35 एंजियोग्राफी मशीन्स इस वक्त लाहौर में लाहौर की पॉपुलेशन के लिए मौजूद है, बल्कि लाहौर से बाहर जो लोग आते। तो क्या ये कामयाब काम था या ये गलत काम था? क्या गरीब आदमी जो है उसका कोई हक नहीं है कि वो अपना अपना इलाज करवा सके? बीबी जान तो जाके 3.5 घंटे का ऑपरेशन जो भी उनका हुआ, आप वो ऑपरेशन तो आपने पाकिस्तान में नहीं करवाया, उसके लिए आप तो गई स्विट्जरलैंड, फिर आप अपनी कन्वलेसेंस जो है वो वलैत में करती नहीं। तो बेचारा जो गरीब आदमी को अगर हमने ये सहूलत दे दी है, तो आप चाचा भतीजी आपस में मिलके, अगर आपको वो ऑडियो याद हो तो उसने ये कहा था कि चाचा जी ये कार्ड खत्म कर दें,
क्योंकि इनके पास सवाए कार्ड, हम तो गरीब आदमी का सोचते हैं ना, पर कितने कार्ड खत्म करोगे आप, ये हेल्थ कार्ड खत्म करोगे आप, वो राशन कार्ड खत्म करोगे। गरीब आदमी की नहीं बात करनी, आप अपने लल्ले तल्ललों की बात करें। 75 मिनिस्टरों की आप कैबिनेट रखें, और फिर इन्होंने ये रेफर करके, अब मैं आपको ये जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, ये किस तरह आपकी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उखेड़ी जा रही है। इन्होंने रेफर कर दिया वापस प्रोविंशियल हुकूमत को। ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, इसलिए कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं दे सकती, ये कोई उस डिसीजन को अंडू नहीं कर सकती जिसमें प्रॉपरली इलेक्टेड कैबिनेट ने डिसीजन दी हुई है, वो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके बावजूद इन्होंने रेफर किया, लेकिन इनसे किस चीज की उम्मीद है? इनसे इन्हीं चीजों की उम्मीद है कि इन्होंने इस वक्त आईन की धज्जियां उखेड़नी है। ये काम किया, आपके सामने इलेक्शन का वक्त नहीं दे रहे, आपके सामने आज हम कोर्ट में खड़े हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इलेक्शन करवाएं। यानी जुल्म खुदा का, हम आपके साथ आईनी बात कर रहे हैं और आप आईन शिकनी कर रहे हैं, और फिर वो वाली कहते हैं नाले नखरे तो नाले टिंगारे, तो गल है। यानी एक काम भी गलत करो, फिर हमारे साथ आप बिहेव भी इस तरह करो, जी इमरान खान ने ये कर दिया, जी तो फलां सारों ने कर दिया। आप फैक्ट्स के साथ आइए हमारे सामने, बैठे हमारे सामने और बताएं, आपकी हुकूमत ने 33,68,000 बंदों को दी सहूलत? दी तो बताएं हमें क्यों दिया। ये तो हमने दी ना आके, तो आपको जलापा किस चीज का है? आपने कभी अवाम का सोचा होता तो वो जो लल्ले तलल्ले करते थे और अपने किक बैक्स के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किया करते थे, उनकी जगह अवाम के ऊपर पैसे खर्च करते ना। कोविड की दौरानिया में आपको भी पता है कि किस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया, उससे ज्यादा कामयाब तरीका नहीं था। हमने उस वक्त दिहाड़ीदार के लिए पैसों का बंदोबस्त किया। हमने इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 96% कम से कम पंजाब के अंदर वो आबादी जिसको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए थी 96% को। आप सारे जो बैठे हैं सब वैक्सीनेटेड है ना, यहां सारे जो बैठे हैं सब वैक्सीनेटेड है ना। कोई कहे ना, कोई और दुनिया में कोई इस तरह का क्लेम करे ना, चाइना हमसे बहुत बड़ी ताकत है। आज देखिए वहां कोविड के साथ क्या मसला बना, यहां हमने फिर अवेलेबल किया हुआ, आप वैक्सीन लगवाइए, घर घर जाके लोगों को वैक्सीन लगाई। तो आप बात वो करें जो कौम के भले की बात हो। आप इस वक्त सिर्फ अपने भले के लिए आए, आपने अपने केसेस खत्म किए, आप 9 महीने का परफॉर्मेंस उनका देख लीजिए, उन्होंने अपने केसेस खत्म किए, कीमतें बढ़ाई, पहले आपकी वो 35-35 रुपए, अब माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाई हैं तो 35-35 रुपए, अब बजान आएंगे तो 100-100 रुपए बढ़ जाएगा। तो ऐसे कीमतें बढ़ती रहेंगी और गरीब आदमी जो उसके ऊपर बोझ डालते रहेंगे। तो ये इन चीजों को मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूं। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरीके से भी ने इसको रोल बैक करने की कोशिश की, तो मैं आपको वादा करती हूं मैं इसको कोर्ट में भी चैलेंज करूंगी, और अवाम ने इनके मुंह से निवाला खींच लेना आएगा। मैं बता दूं कि अवाम की दी हुई सहूलत आप अवाम से वापस लेने लगे, को अल्लाह से डरा करें, को अल्लाह से खौफ किया करें। अपने इलाज के लिए और खांसी के लिए और जुकाम के लिए तो आप भागें वलैत। पाकिस्तान में अगर हम ये सहूलत दे रहे हैं और लोग खुश हैं सहूलत से, तो सहूलत आप सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं वापस ताकि आपकी पॉपुलैरिटी हो। पॉपुलर तो जितने आप हैं वो तो आपको अब तक पता चल गया है, क्योंकि अगर आप बहुत पॉपुलर होते तो इलेक्शन से डरना नहीं था। इलेक्शन तो हम बार बार करें, इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। तीसरी बात मैं बता दूं, ये अगर खौफ दिलाना चाहते हैं हम सबको, आज मैंने सारी खवातीन को यहां बिठाया है, क्योंकि मैंने आज इसलिए बिठाया कि मर्दों की हम बात बात में करेंगे। मैंने राणा सनाउल्ला को पहले भी कहा था कि तू पहले साढ़े नाल ते हल कर लेना मसला, फिर तेनू बाकियों को भेजांगे। और जो राणा सनाउल्ला मूछे मड़ोड़ मड़ोड़ के, आपको पता है, बैठा रहा वहां असेंबली के अंदर आके और आंखें दिखा रहा था लोगों को, वो आपके सामने उस बेचारे के साथ हुआ क्या? अल्लाह माफ रखे, मुंह पे चपेड़ पड़ी जब 186 की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई। खुद ब खुद अब इनको समझ आना चाहिए कि अवाम बेवकूफ नहीं है। आप कुछ अरसे के लिए तो उसको बेवकूफ बना सकते हैं, अवाम इस वक्त तैयार है, इलेक्शन करवाइए। अगर आप बहुत पॉपुलर हैं तो फिर परेशानी की बात है, आप करिए और इलेक्शन करा के देख ले।
फवाद चौधरी का जहां तक ताल्लुक है, इससे ज्यादा तकलीफदेह चीज और नहीं है। आपने पहले आजम स्वाति, शहबाज गिल, इन हर बंदे को तंग किया और आज आप फवाद को मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक करेंगे? कितने का मुंह बंद करेंगे आप? कितनों को डालेंगे? आपको पता है वहां इस बारिश में भी इस वक्त लोग खान के घर के बाहर बैठे हुए हैं। आप ये सनाउल्ला कहता है, धमकी देता है कि इसको जेल में डाले, तू साडा बल लगा आके जेल चार दिन दसते हैं, पहले तू सारे नु पाएंगा तो फिर करेंगे। मतलब इस तरह की हरकतें करनी, इस तरह की बातें जेब देती हैं। लेकिन एक बंदा अगर आपने कातिल लगा दिया हो, इंटीरियर मिनिस्टर, इनके अपने बंदों ने कहा वो कातिल, अगर उसको इंटीरियर मिनिस्टर लगाया तो उससे उम्मीद किस चीज की है? किसी चीज की उम्मीद नहीं है। तो हम हर चीज के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे, और फिक्र ही ना करें। उनसे कहें ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले, ये वो बर्गर क्राउड नहीं है ना मम्मी डैडी क्राउड है, भूल जाए। ये वो हैं जो इमरान खान के दीवाने और जाले हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया जी। एनी क्वेश्चन? जी डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, अभी आपने सेहत कार्डों पर बड़ा एक डिटेल में बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि सेहत कार्ड की जो सहूलत दी जा रही है इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी, क्या इसे खत्म किया जा रहा है? नहीं बेटा, आपको बताया ना कि हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का ये मतलब है कि हर जो सिटीजन है पाकिस्तान पंजाब का, हर जो शहरी है पंजाब का, उसको सेहत की सहूलत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही हूँ ना आपको कि जी मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो रेफर बैक किया, उन्होंने कहा जो एजेंडा ये अप्रूवल के लिए लेके गए थे वो डेफर कर दिया गया बाय द CDWP, जो सेंट्रल वो डेवलपमेंट बॉडी है, उन्होंने डेफर कर दिया। अप्रूवल हम करने करवाने गए थे ना रिवाइज PC1 का, टू प्लेस द मैटर बिफोर द केयर टेकर प्रोविंशियल कैबिनेट अफ्रेश एंड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में बी गिवन अ सेकेंड थॉट इन द नेक्स्ट 15 डेज। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जब ये सारी मीटिंग, उसमें सेक्रेटरी ने उनको बड़ा कन्विंस करने की कोशिश करने के बावजूद वो कह जी मैं तो ना मानूं, सारी फिगर्स के साथ आपसे सामने जो मैं बात की, वो ये चाह रहे हैं कि बजाय 100% आबादी को वापस 30% आबादी तक लेके आए। हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हमने 3 साल का इस वक्त 390 बिलियन रुपीज पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि बाकी पाकिस्तान में भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हो रहा है, ये यहां भी ये हो रहा है। 30 वर्ष से विड्रॉ करने के लिए, आपका ख्याल है दरमानी तबके का बंदा जो है खुदा ना खास्ता बीमार हो तो उसके पास हैं इतने पैसे के जाके अपना इलाज करवाए? हर बंदे का जो आपका नौकरी पेशा बंदा है उसके लिए मुसीबत बन जाती है अगर खुदा ना खास्ता को घर में बीमार हो। जी बताइएगा कि आप लोगों की इकमत अमली थी कि आप लोग कौमी असेंबली में वापस जाने का इरादा कर चुके थे, तो आगे आ जाना, मैं तोड़ी मुड़ो के इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वहां आ जाओ बेटा, बात सुनो, उधर आ जाओ। आप लोगों की इतनी अमली थी, आप लोगों ने अपनाई कि आप दोबारा कौमी असेंबली में जाएंगे अगर कोई निगरान सेटल करे तो मामला बन जाए, तो आप जुदा जो आपकी पीटी की मुनाजर पर आखिर उनको नहीं बैठने देंगे। अब जब कौमी असेंबली के 10-30 हल्कों में जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है तो क्यों एक ही उम्मीदवार है आपका सारी सीटों के ऊपर, क्योंकि आपका इरादा पहले ही कौमी असेंबली में जाने का, तो फिर चेयरपति के साथ इमरान खान साहब एक ही उम्मीदवार आपका 33 सीटों पर क्यों क्यों, आप क्या वजह है कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजी में कंफ्यूज हैं कि एक तरफ वापस जाने का इरादा और एक तरफ एक ही उम्मीदवार तमाम सीटों के ऊपर? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, पहले तो ये बात क्लिक करते हैं, आप कह रहे हम कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूज नहीं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो मैं बार बार कहती हूँ और उन्होंने मैंने फड़ना है तो 100 दफा आके फड़ लेने तो देवी देन के वो जड़ी जिनकी बांधी बनी हुई है ना उनके, वो एक इस कौम के साथ ग्राउंड साजिश कर रहे और वो क्यों कर रहे? वजह ये है कि आपने दो तहलील शुदा असेंबलियां हैं, दो तहलील शुदा असेंबलियों की तो आपने अभी तक कोई डेट ही नहीं दी इलेक्शन की। आपके खत जो आपने गवर्नर को लिखा, गवर्नर ने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो आपका ख्याल है कि जो कौम 62% से ज्यादा आबादी इन दो बड़े सूबों में, अब इन दो सूबों के लोग इंतजार में हैं, मुंतजर हैं कि हम इलेक्शन में अपनी वोट दें। आप इलेक्टेड असेंबली को आने से रोक रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि देखें, लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को सब कुछ पता है। अगर आपका ख्याल है बेवकूफ बना सकते हैं तो लोगों को पता है। जब खान साहब 8 सीटों पर खड़े हुए थे तो क्या ख्याल है आपका लोगों को पता नहीं था? लोगों को यह पता था कि खान साहब इन सीटों पर नहीं जाएंगे, उसके बावजूद वो निकले और 7 सीटें उन्होंने खान साहब को सिर्फ इसलिए जिताई कि वो हुकूमत पे ये बावर कराना चाह रहे थे कि हम चाहते हैं कि प्रॉपर इलेक्शन हो, और कुछ नहीं है। हम तो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि खुदारा इस पाकिस्तान के हाल पे रहम करो, जो हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। बजाय ये कि जी नेशनल असेंबली पे इलेक्शन कराओ जिमनी 4 महीने के लिए, बहुत बेहतर है आप सारी इलेक्शन करवा दें। और कोई सवाल आपके दो हुकूमत में जो डेंगी वर्कर्स की जो भर्ती हुई जी, और अब जो उस पर इंक्वायरी है करोड़ों रुपए की, जो क्या इंक्वायरी है बेटा, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी कर रहा है जो करोड़ों रुपए की वगैरह करप्शन हुई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना? मेरा ख्याल है बेटा, अगर आप स्पेसिफिकली किसी इंक्वायरी जो मेरे साथ रिलेटेड है वो बता दीजिए तो मैं खुद पता करके आपको सारी डिटेल बता दूंगी। डेंगी वर्कर्स डेली वेजेस के ऊपर हायर किए जाते हैं, नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर की जो नीचे आता है ये सारा कुछ, और ये सारे उनको हायर करके और भेजते हैं। तो अगर कोई ऐसी खास इंक्वायरी तो जरूर बताइए, आई विल फाइंड आउट एंड गिव यू द डिटेल्स। अच्छा मैडम, ये तरीका के बाद में देखा गया कि 7 दिन इलेक्शन हुए, उसमें खान साहब टेस्ट किए, अभी 33 पे दोबारा खान साहब टेस्ट करें, तो क्या आगे जब जिंदगी इलेक्शन हो जो बाकी उसके खान साहब को टेस्ट करें? देखिए मेरा ख्याल है बेटा, आप लोगों को अभी तक जो हमारी सोच है उसके बारे में आई थिंक यू स्टिल नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। हम किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस ना अहल, इस बिल्कुल बेवकूफान किस्म की जो हुकूमत बैठी हुई है कि अवाम के हाल पे रहम करो और मेहरबानी करके पूरी इलेक्शन करा दो। डरते किस बात से हो? एक पैसे कहते नहीं नहीं जी सानू कोई डर नहीं लगा, और इलेक्शन करा लो जी, असी तो बड़े पॉपुलर है। तो फिर डरते किस गल हो? इलेक्शन करा लो, 3 महीने पहले इलेक्शन हो जाएगा तो क्या आसमान गिर पड़ना है? इट इज नॉट। हाँ, आपकी इकोनॉमी जरूर स्टेबलाइज हो जाएगी। वजह यह है कि इस वक्त अगर आपके बाहर के दोस्त भी हुए जो आपके लोन्स हैं, वो सारे चाहते हैं स्टेबल हुकूमत हो। ये स्टेबल हुकूमत है जो आपके सामने बैठी हुई है। एक दिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो तकरीर अलहदा देते हैं, और इसहाक डार साहब जो हैं वो अलहदा तकरीर देते हैं। मरियम नवाज ने आपको काफ़ी तसल्ली दी थी कि आप इसहाक डार के ऊपर बहुत एतमाद रखिए, उन्होंने माशाल्लाह 35-35 रुपए बढ़ा दिए। मजीद एतमाद अपना पक्का कर लीजिए तो 100-100 रुपए बढ़ा देंगे, वो तो आपके सामने ही है ना, मैंने तो गलत बात नहीं कही जी। बताइए। किए जा सकते हैं, अब वो तमाम फैसले आप अदालतों में लेके जा रहे हैं, अगर अदालतों में फैसला जिसके हाथ में आता है उसके लिए रूल हो जाता है, जिसके खिलाफ आता है वो बैठ फैसला हो जाता है, तो क्या वजह आप सियासतदान आपस में नहीं बैठ रहे और अदालतों में हर चीज? आपका क्या ख्याल है? वैसे मैं आपसे बेटा पूछना चाह रही हूँ, सनाउल्लाह के साथ बैठना को आसान काम है? मैं वैसे पूछ रही हूँ, तू उधर बैठ के देखी तो सही ना, मतलब कभी बैठ के देखो ना जी, आप कभी उनके साथ बैठ के देखे तो आपको एहसास हो, जिस बंदे की सोच कातलाना हो, जो बंदा कत्ल का सोचता हो, जो बंदा लोगों के ऊपर अजाब ढाने का सोचता हो, जो बंदा कहते इमरान खान को कुछ दिन के लिए अरेस्ट करना चाहिए, इमरान खान को वो तेरी जिंदगी जो और कोई काम नहीं है, अगर जरा काम करना चाहिए वो कर। लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान, तुम्हें इमरान खान का मसला बना हुआ है। आप बताएं कैसे मुमकिन हो सकता है आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज डन जब पता हो कि जो बंदा दूसरी तरफ बैठा है वो कोई सोच समझ से बात करेगा? वो कौन सा सोच समझ से बात करते हैं? आप रोजाना एक बयान आता है आपका क्या कहते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री का, आप देख रहे होते हैं ना कि क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके बयान दे रही है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जी। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए ये भी एक गलत अफवाह उठाई गई और दी गई। वजह यह है कि इस वक्त क्या मसला बना, यह हुकूमत आई, इन्होंने फंड्स फ्रीज कर दिए। जब इन्होंने फंड्स फ्रीज किए तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने अपने क्लेम्स भेजे, उन्होंने कहा हमें पैसे दें। उन्होंने पैसे देने से क्योंकि फंड्स फ्रीज हुए हुए थे उन्होंने इनकार कर दिया। मैं आपको यह बता रही हूं, मैं निकलने से पहले एज अ मिनिस्टर आई इंश्योर्ड कि वो फंड्स जो है ऑनलाइन हो जाएं दोबारा, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहे थे फंड्स। इस वक्त 7 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं
इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के क्लेम्स हैं, वो भी उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। पंजाब से 2 अरब रुपए हमारे पैसों में से इंश्योरेंस कंपनी ने इस्तेमाल किए। हमने फिर उनको खत लिखा, मैंने मिनिस्टर को खत लिखा, चौधरी परवेज इलाही ने चीफ प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, कुछ सुना उनकी मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं यार काम जड़ा गलत है, सो आई एम ट्रायलिंग यू, ये चल रहा है और अगर कोई शिकायत करे तो बाकायदा 8300 एक लाइन है। हमने तो घर घर जाके लोगों के हाथ में वो पैम्फलेट पकड़ाया है कि ये पैम्फलेट है, कोई शिकायत हो तो इस लाइन पे फोन करें, और ये अगर ना हो रहा होता तो बेटा आज के दिन 33,78,000 बंदा जो है 68,000 बंदा दाखिल ना होता अस्पताल के अंदर, हमारे निकलने के बाद 2,00,000 बंदों को ये इलाज मिल चुका है। जी अभी आपने कहा कि राणा सनावला और दीगर इस तरह के जो रहनुमा के साथ किस तरह बैठा जाए, किस तरह मुलाकात करें लोगों के साथ, अगर इन लोगों के साथ मुलाकात नहीं करने तो क्या आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात के लिए तैयार हैं? देखिए जी, जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का क्या काम है? एक मिनट अभी देखे ना, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हम तो हैरान हो गए। आपके सामने मैंने पिछली दफा भी कहा था कि जी बाजवा साहब ने फरमाया था कि जी आइंदा हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कहा था ना, ये फरवरी मार्च के महीने में बयान दिया था कि पहले हम करते थे आइंदा नहीं करेंगे। अब मैं तो उस दिन भी कहा कि खुदा दे वास्ते बाजवा साहब की इज्जत विज्जत रखो तो जरा ख्याल रखो कि वो वादा करके गए ने तो बाद तुसी उन्होंने बेइज्जती कर रहे हो, मतलब आप उनकी बात पे वो नहीं कर रहे। तो जहां तक भाई लोगों का ताल्लुक है, उनका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, उनका क्या ताल्लुक है हमारे साथ, दे आर एट द मोमेंट दे आर दी आर्मी और दी एस्टैब्लिशमेंट, दे शुड स्टे विद दे आर, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं तो खुद फौज के, मेरा तो बाप भी फौजी, चाचा भी फौजी, मैं तो हुई फौजी खानदान की, लेकिन फौज को पता है उनको कि क्या ये ऐसी जो बातें चलती हैं, इसमें चंद लोग होते हैं जिन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है। और अफसोस इस बात पे होता है कि आप एक वो फौज जिसने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट को? अब एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि वो जो अपना बड़ा ही अकलमंद गवर्नर है वैसे खैबर पख्तूनख्वा था, उसने तो सीधा साधा ही बता दिया आप लोगों को, खुद ब खुद ही बता दिया, हम तो कहते थे उसने आपको सच सच ही बोल दिया। असल जब पठाना च थोड़ा जा मसला होता है, वो झूठ जरा घट बोलते हैं। और दूसरा ये क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये फैसला कर दिया है कि उन्होंने जो भी हासिल करना है वो इतिहास ही करना है? आप नून लीग को अच्छा नहीं समझती, राणा सनावला साहब कातिल हैं, आप ये सारे स्टेक होल्डर्स अगर आप इनके साथ नहीं बैठते तो इलेक्शन की बात करें। बेटा बात सुने, इस वक्त बेहतर काम यह है कि नेगोशिएशंस की जगह या बात करने की जगह बहुत बेहतर आप इलेक्शन करा दें, अवाम के पास जाए ना, हमें किसी एक दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। अवाम इज द बेस्ट जज, अगर अवाम चाहती है हम आए वापस तो अवाम दे देगी वोट। अगर अवाम जो है वो बहुत इंप्रेस्ड है परफॉर्मेंस के, पीडीएम की परफॉर्मेंस से, तो अवाम उनको ले आएगी। भाई अवाम को मौका देना, ये मुल्क अवाम का है, कोई मेरा आपका थोड़ी है अकेले का, या कोई खुदा ना खास्ता सनाउल्ला का है और मेरा है और किसी का नहीं है, सब अवाम का। अवाम कहता हम वोट डालेंगे, वो डालेगी वोट तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। थैंक यू। एक सेकंड, आसिफ जरदारी के बारे में मैं बात बता दूं, मैं अभी तक इंतजार कर रही हूं, मेरा ख्याल में नहीं, बिल्कुल ठीक उसने बात कहा, एक सेकंड, उसने ठीक बात कही। वजह यह है कि आप मुर्तजा भुट्टो की बेटी से पूछें, आस मुर्तजा भुट्टो डॉटर जो जिंदा है और बताएगी आपको कि उसका शक किसके ऊपर है, जरदारी के ऊपर। उसने अपने घर में कत्ल किया, और ये भी मैं आपको घर में कत्ल करवाया उसकी मैंने तो नहीं कहा ना, ये इल्जाम मैं नहीं लगा रही, ये इल्जाम मुर्तजा भुट्टो की बेटी लगा रही है। और पीपल पार्टी वालों में से ये बात, क्योंकि मैं तो उस वक्त पीपल पार्टी में थे कि नाहीद वगैरह बैठे हुए थे जब बीबी के साथ उस गाड़ी के अंदर, कितनी दफा फोन आया जो हमारी सुनीद है कि निकल के बाहर देखो, निकल के बाहर देखो, हालांकि सब मना कर रहे थे कि थ्रेट है। तो मेरा मतलब यह है कि कोई पूछते लो, घर वाले को लो तो पूछ लो ना, फिर साढ़े को पूछ लेना, ठीक है? जी, 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 जी,